विभाग में हम लोग लिख के दिए हैं, पास हो जाएगा, उसको अगला बरसात ही नहीं झेलना पड़ेगा। हम लोग 5 सालों की सेवा करेंगे। इस बार अगर महागामा में आती है तो क्या खास रहेगा महागामा? इस बार जो महागामा में आने पर विशेष ध्यान शिक्षा के और इंस्टीट्यूशंस यहाँ कैसे हो, डिग्री कॉलेज में बीकॉम बीए की पढ़ाई शुरू हो गई है, साइंस की पढ़ाई हो, लॉ की पढ़ाई हो, बीएड की पढ़ाई हो, 300 बेड अस्पताल बन रहा है तो हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुलवा पाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI और कृषि से जुड़े हुए संस्थान, और साथ ही साथ भगैया में जो सिल्क का हब है उसको एक पूरे उसका एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा ताकि लोगों की ट्रेनिंग भी यही हो, यहीं से व्यापारी आसानी से अपना और बुनकर जो है अपना सामान आसानी से दे सके लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं अभी भी दिख रही है जिसको तब? हाँ बिल्कुल, ऐसा 2 साल हम लोग कोविड के बाद 3 साल भेजे हैं, कहीं कहीं गाँव में छूटे हुए, मुख्यतः जो बेसिक बुनियादी सुविधाओं की चीज़ें हैं, जैसे कहीं नाले की मांग आ रही है, कहीं पीने के पानी को लेकर, क्योंकि जनरल जो सुविधा वो 6 महीने के बाद शुरू हो पाएगी, तो जहाँ जहाँ जिस तरीके से लोग ने पहले बताया था समस्या, हम लोगों ने उसका समाधान किया है, और अब दोबारा जब हम लोग क्षेत्र में आ रहे हैं तो लोगों की उम्मीद है कि जो बचे हुए काम है उस पर भी आश्वासन मिले। खास करके हम इस गांव के लिए कह सकते हैं कि एक नाले की बहुत आवश्यकता है, उसको हम कह रहे हैं, लोग अपने धार्मिक आस्था की जगहों को भी दिखा रहे हैं ताकि आगे हम लोग उनके मर्जी के अनुरूप काम कर सकें।